हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको अपनी वीडियो स्क्रीन के ऊपर दो फोन्स देखने को मिल रहे हैं। एक है हमारे पास पोको F3 GT, जिसके अंदर हम MIUI 12.5 का इनहेंस्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, और राइट साइड पे है हमारे पास Mi 11X, जिसके अंदर हम MIUI 13 वर्जन यूज करें। तो आज हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाले हैं कि MIUI 12.5 और MIUI 13 में आपको क्या क्या अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही फोन्स में जो है हम चाइना का ही रोम यूज कर रहे हैं, तो इससे ये जरूर हो जाएगा कि दोनों ही फोन्स में हमको ऑलमोस्ट एक जैसे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। मैं इसको इंडिया स्टेबल के साथ मैच नहीं कर रहा हूं, इंडिया स्टेबल में आपको काफी सारे फीचर्स मिसिंग देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही फोन्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फीचर्स दोनों फोन्स में अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, लेफ्ट साइड पे है हमारे पास पोको F3 GT, जिसके अंदर हम MIUI 12.5 का इनहेंस स्टेबल चाइना वर्जन यूज कर रहे हैं, और राइट साइड पे है हमारे पास Mi 11X, जिसके हम अंदर हम MIUI 13 का बीटा वर्जन यूज करें। तो आप देख पा रहे होंगे होम स्क्रीन का लुक जो है आपको कुछ इस तरीके यहां पे देखने को मिलता है। बट सबसे पहले जो है हम लॉक स्क्रीन के ऊपर चलते हैं दोनों ही फोन्स के ऊपर। तो ये देखिए दोनों ही फोन्स की लॉक स्क्रीन जो है आपको मोस्टली सिमिलर देखने को मिलती है, बट आप राइट साइड को स्वाइप करते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर, तो दोनों ही फोन्स में आपको जो है एक अलग किस्म का लेआउट यहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वही MI असिस्टेंट वॉलेट या टॉर्च या वॉलपेपर कैरोसोल के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़े कुछ एक अलग UI के साथ जो है ये कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। नीचे आपको जो है सारे के सारे वही टॉर्च, वॉलपेपर, कैरोसोल, इन सब के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और अनलॉक करते ही आपकी होम स्क्रीन जो है आपके फोन पे लॉन्च हो जाती है कुछ इस तरीके से। अगर आप होम स्क्रीन को ध्यान से देखें तो होम स्क्रीन में आपको काफी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए MIUI 13 के अंदर जो है आपको काफी सारे जो है नए विजेट्स देखने को मिलते हैं। आइकन पैक्स जो है मोस्टली ऑलमोस्ट जो है सेम है, आइकन पैक्स जो है एज इट इज वैसे ही है जो कि आपको MIUI 12.5 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपको काफी सारे नए विजेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम दोनों ही फोन्स की होम सेटिंग्स में जाएं तो अगर आप देखें तो दोनों के ही UI में आपको काफी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें यहाँ पे एक रिमूव का बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको रिमूव का बटन देखने को नहीं मिलता है जब तक आप किसी ऐप को सिलेक्ट नहीं करते, तो आपको ऊपर रिमूव या ग्रुप करने का इनको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसी तरीके से जो MIUI 12.5 में आपको एक अलग तरीके का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया पहला चेंज आपके आपको कि इसके अंदर कुछ इस तरीके चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो आपको नीचे जो है पूरा का पूरा जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। दोनों ही फोन्स में जो विजेट्स हैं वो कम्प्लीटली चेंज कर दिए गए। अगर हम इसी के विजेट्स के सेक्शन में जाएं और MIUI 12.5 के, तो आपको MIUI 12.5 में क्लासिक विजेट्स देखने को मिलते हैं, और MIUI 13 में आपको काफ़ी बड़ी विजेट्स की लिस्ट मिल जाती है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल्ड वीडियो कौन कौन से विजेट्स मिलते हैं, तो उसको जाके आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया इनके विजेट्स। अगर सेटिंग्स पैनल की बात करें तो होम सेटिंग्स पैनल जो लॉन्चर की सेटिंग्स पैनल है, उसमें भी आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे MIUI 13 में आपको डोंट शो टेक्स्ट का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि MIUI 12.5 में देखने को नहीं मिलता है। अब जो है आप अगर होम स्क्रीन के अंदर जो आपके लेबल होते हैं, जो आपके ऐप आइकन के जो टेक्स्ट होता है, उनको यहाँ से हाइड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स जो है सारी की सारी आपको एक जैसे ही देखने को मिलती है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है आपको इसके अंदर। दोनों में ही वही आपको जेस्चर्स मिल जाते हैं, दोनों में सारी की सारी चीजें वही मिल जाती हैं। अरेंज आइटम्स इन रीसेंट्स आपको वही मिल जाते हैं, उनको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, ये चीजें आपको मिल जाती हैं। वही शो मेमोरी स्टेटस और ब्लर ऐप प्रीव्यूज आपको दोनों ही फोन में, दोनों ही लॉन्चेस में एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। सिर्फ लेबल हाइड करने का एक ऑप्शन जो है आपको वहां पे प्रोवाइड किया गया है। उसी तरीके से अगर आप दोनों ही फोन्स की ऐप वॉल्ट को चेकआउट करें तो ये देखिए 13 के अंदर जो है ऐप वॉल्ट के अंदर आपको नए तरीके के विजेट्स और नया UI यहाँ पे दिया गया है। MIUI 12.5 के अंदर अभी भी आपको थोड़े जो है आउटडेटेड यहाँ पे देखने को, हाँ नो डाउट थोड़े से अपडेटेड है, अगर आप देखें UI में काफी चेंजेस हैं। इसमें चाइनीज लैंग्वेज में कुछ मेंशन किया गया है, ऊपर आपको डेट टाइम ये चीजें मिल जाती हैं, और आपको कुछ नए तरीके के विजेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि MIUI 12.5 में आपको इतने ज्यादा विजेट्स अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए। हाँ MIUI 13 में आपको काफी बड़ी लिस्ट जो है विजेट्स की यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। अब बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की। तो आप देख पा रहे होंगे MIUI 13 में जो कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलने वाला है, उसका लुक जो है कुछ इस तरीके का होने वाला है, और MIUI 12.5 का कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। बट अभी इस टाइम पे MIUI 13 के अंदर जो इस कंट्रोल सेंटर को इनेबल नहीं किया गया है, जो कि स्टेबल वर्जन जो रिलीज किया जाएगा उसके अंदर इसको शो किया जाएगा। इस टाइम पे जो बीटा वर्जन मिल रहा है वो आपको प्री लॉन्च वर्जन देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको पुराना ही देखने को मिलता है कुछ इसी तरीके का, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक स्क्रीनशॉट है MIUI 13 के आगे जो कंट्रोल सेंटर आपको मिलने वाला है, बट ओरिजिनल जो कंट्रोल सेंटर है उसका लुक कुछ आपको इस टाइम पे MIUI 13 के अंदर ऐसा ही देखने को मिलता है। इंडिया में मोस्टली मुझे लगता नहीं है कि ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सारी चीजों को ये रिमूव कर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विजेट्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 12 से रिलेटेड काफी अच्छे विजेट्स आपको मिलते हैं, जो कि आपको इसके MIUI 12.5 वर्जन में देखने को नहीं मिले। अब कुछ और चीजों को चेकआउट कर लेते हैं। देखिए डायलर आपको दोनों ही फोन्स में एक जैसा देखने को मिला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है आपके।
इवन जो सेटिंग्स पैनल है वो दोनों ही फोन्स में जो है आप सेम ही देखने को मिला है, आप देख पा रहे होंगे। बस सिंपल सा जो है कि आपका जो लोगो है उसको चेंज कर दिया गया है, इसमें MIUI 13, इसमें आपको MIUI 12.5 का 12 रेटेड ही लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज आपको वैसी ही देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो कैमरे में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, कैमरा एज इट इज़ वैसे ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों के ही मोड सेक्शन में जाके सारे के सारे ऑप्शंस आपको वही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको MIUI 12.5 में देखने को मिलते हैं। तो मेजर चेंजेस आपको कैमरे के UI में भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। इवन सिक्योरिटी की ऐप की बात करें तो सिक्योरिटी की ऐप में थोड़े से आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर MIUI 12.5 में देखें तो आपको सिक्योरिटी एंड यूटिलिटीज़ का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, बट MIUI 13 में इस ऑप्शन को जो है आप जैसे अप करेंगे इसको, आपको सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको नीचे बॉटम पेज पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये चेंजेस आपको सिक्योरिटी में देखने को मिले। थीम्स के ऑप्शन एज इट इज़ वैसे ही हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एड्स आपको दोनों ही तरफ जो है एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। देखिए माई अकाउंट में आपको शो कर देता हूँ, दोनों में एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। अगर थीम कंपोनेंट्स की बात करें दोनों में ही एक जैसा ही UI और एक जैसा ही लुक आपको देखने को मिलता है, बट इसमें आपको जो है बी सेंस का फॉन्ट्स देखने को मिलता है जो कि MIUI 13 के अंदर रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया। ये फर्क आपको जरूर यहाँ पे UI में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर गैलरी की बात करें तो दोनों ही फोन में मैं गैलरी ऐप को लॉन्च कर देता हूँ, आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों ही फोटोज के ऑप्शन में जाएं तो आपको ऑल कैमरा के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट ओवरऑल जो है सारी चीज़ें एक जैसी हैं। ये देखिए एल्बम्स में जाते हैं तो एल्बम्स से वही आपको क्लीनर ट्रैश के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। रिकमेंडेड में भी आपको वही ऑप्शन यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस इसके अंदर आपको आर्ट का एक नया फिल्टर दिया गया है और कुछ और नई चीज़ें भी दी गई हैं जो कि आपको MIUI 12.5 में यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। अगर दोनों ही फोन में हम स्क्रीनशॉट और कैप्चर करें तो एक जैसा ही UI आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में नीचे आपको एडिटिंग टूल्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एक नए UI के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी वेदर की ऐप जो है एज इट इज़ वैसे ही है, दोनों ही फोन में आपको एक जैसी देखने को मिलती है। गेम टर्बो जो है दोनों ही फोन्स में आपको एक जैसे ही UI के साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें आपको यहाँ पे कोई भी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ही फोन्स में एक ही जैसा गेम टर्बो आपको देखने को मिलता है जो कि आगे चल के आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ क्या उनके दोनों ही आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं सेटिंग्स पैनल में। सेटिंग्स पैनल में आपको छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाते हैं तो कनेक्शन एंड शेयरिंग में MIUI प्लस बेटा के अंदर आपको जो है दोनों ही फोन में अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप देख पाएंगे इसके अंदर आपको हैंड ऑफ का एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि MIUI 13 के डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। MIUI 12.5 में ये फीचर जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी चेंजेस मिलेंगे। मी शेयर एज इट इज़ वैसा ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही आपको डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं जो एज इट इज़ पहले सपोर्ट करते, ज़्यादा कोई चेंजेस इसमें आपको देखने को नहीं मिले हैं। इवन आपको दोनों ही फ़ोन में क्रोमबुक का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है जो कि एज इट इज़ सेम UI के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि MIUI 13 के अंदर काफ़ी बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं, UI को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, ये काफ़ी बेटर चेंजेस मिलेंगे आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे मोटे माइनर चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे जो कि सिमिलर टू MIUI 12.5 आपको मिल जाते हैं। और सेटिंग्स के वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में जाएं तो आपको यहाँ पे जरूर कुछ चेंजेस देखने को, क्योंकि दोनों का लुक एक जैसा ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट हाँ, लाइब्रेरी के अंदर आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में जाएं तो यहाँ पे अब आपको जो है नए लाइव वॉलपेपर्स MIUI 13 के देखने को मिले हैं जो कि मोल्टन ग्लास एंड क्रिस्टलाइजेशन, जिसके ऊपर एक ऑलरेडी मेरी वीडियो बना रखा है कि इसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अंदर जो है आपको वही नॉर्मल वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर नए लाइव वॉलपेपर्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि MIUI 12.5 के अंदर जो आपको थोड़े पुराने ही वॉलपेपर्स देखने को मिले हैं, बट MIUI 13 में कुछ नए वॉलपेपर्स जो है यहाँ पे जरूर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का स्क्रीन एज इट इज़ वैसे ही है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, सिमिलर आपको वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बट नोटिफिकेशन इफेक्ट में कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए, देखिए नोटिफिकेशन इफेक्ट में जाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एनिमेशन नेम शो करता है और 12.5 में लाइट अप स्क्रीन के नाम से शो करते हैं, बट इसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे इन सभी के आगे जैसे रिदम पल्स लिखा है, तो इसमें जो है इनके आगे पल्स ब्लू, पल्स रेड, स्टार लाइट, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो थोड़े से नेम्स में यहाँ पे जरूर चेंजेस किए हैं, बट फीचर्स जो है एज इट इज वही इसी तरीके से काम करते हैं जो कि आपको MIUI 12.5 में देखने को मिलते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम आपको वैसे ही फीचर्स मिलते हैं। अगर डिस्प्ले में जाएं तो डिस्प्ले के अंदर भी जो है आपको डिवाइस स्पेसिफिक कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिल सकते हैं, आप उस पर मत जाइएगा, क्योंकि पोको F3 GT में आपको एंटी फ्लिकर मोड मिलता है, आपको Mi 11X के अंदर देखने को नहीं मिलता है। रिफ्रेश रेट के ऑप्शन दोनों ही फोन में सेम ही देखने को मिलते हैं, सेम UI आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह का UI आपको देखने को मिलता है। बट हाँ, फॉन्ट सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो फॉन्ट सेटिंग्स में आपको यहाँ पे मी सेंस का फॉन्ट प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आपको जो MIUI 12.5 डिफॉल्ट फॉन्ट था वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉन्ट में यहाँ पे जरूर यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीजें आपको एक जैसी ही यहाँ पे दोनों ही डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो साउंड एंड वाइब्रेशन यहाँ पे 12.5 में मेंशन किया गया है, बट 13 में साउंड एंड टच के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए साउंड एंड टच में जो है आपको सारे के सारे ऑप्शन वही मिल जाते हैं, सारी चीजें एज इट इज वही मिलती है, बट अगर आप देखें तो आपको हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन के पैनल में ही MIUI 12.5 के अंदर दिया गया है, बट MIUI 13 के अंदर ये ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए आप इसके टच के ऑप्शन में जाके इसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं और इसके डेमो वगैरह को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक चेंज आपको MIUI 13 के अंदर यहाँ पे देखने को मिला, जो कि आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ही ऑप्शन के अंदर हैप्टिक फीडबैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, होम स्क्रीन में आपको दिखा चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखें अब यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट, फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक के नाम से एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, बट 12.5 में आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के नाम से देखने को मिलता है, बट दोनों का यूआई सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आपको वैसी ही चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मुझे ज्यादा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आप देखें तो MIUI 13 में एक सिक्योरिटी का नया टैब इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इस सिक्योरिटी टैब में जाए तो आपको स्क्रीन लॉक, शटडाउन, फाइंड डिवाइस, सिम सिक्योरिटी, MIUI वार्निंग, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको सिक्योरिटी के ऐप में भी देखने को मिल जाती है, बट एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन आपको MIUI 13 के अंदर जरूर प्रोवाइड किया गया है, जो कि MIUI 12.5 में आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर दोनों ही फोन्स के प्राइवेसी की बात करें तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल UI सेम है, एज इट इज सेम आपको देखने को मिलता है, सेम ही चीजें आपको देखने को मिलती है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, एज इट इज वही है जो आपको देखने को मिली है। अगर इसके प्रोटेक्शन के ऑप्शन में जाएं दोनों ही फोन्स के तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेटवर्क इंटरसेप्शन दोनों सेम है, बट यहाँ पे प्राइवेसी मास्क को चेंज करके डू नॉट ट्रैक कर दिया गया है। प्राइवेट स्पेस दोनों ही में एक जैसे देखने को मिलते हैं और प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब आपको दोनों ही फोन्स में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट इसके अंदर जो है आप देख पाएंगे कुछ टूल्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर कुछ कम टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। बट ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये थोड़े बहुत चेंजेस आपको यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे दिए। बाकी बात करें बैटरी के ऑप्शन की तो बैटरी के ऑप्शन में दोनों ही फोन्स में लॉन्च करता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज जरूर देखने को मिले। जो नॉर्मल UI है दोनों ही फोन्स का सेव है, आपको सेव बैटरी, बैलेंस, परफॉर्मेंस मोड दोनों ही फोन में देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड मिल जाता है। बट अगर आप इसके बैटरी के टैब पे जाएं तो आप देखेंगे जो MIUI 13 है उसके अंदर आपको जो है बैटरी की जो हेल्थ है उसके बारे में यहाँ पता चलेगा कि पुअर है, नॉर्मल है, गुड है, एक्सीलेंट है, और क्या टेम्परेचर है और कितनी बार चार्ज किया वो आपको इसमें देखने मिलता है, बट इसके अंदर आपको बैटरी हेल्थ का जो ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलता है। ऑप्टिमाइज चार्जिंग, ऑटोमेटिक टास्क और शेड्यूल पावर ऑन ऑफ दोनों ही फोन्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो दोनों ही फोन में थोड़े से बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं। अगर ऐप्स की बात करें तो ऐप्स में भी आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए ऐप्स में आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं, बट यहाँ पे आपको सिक्योर मोड यहाँ पे MIUI 13 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक तरीके से आपके फोन को ट्रैक करेगा कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई जिस भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो आपके फोन के लिए सिक्योर है कि नहीं है। तो सिक्योरिटी को लेकर MIUI 13 के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिले हैं, अदरवाइज सारी चीजें आपको एक जैसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से अगर स्क्रीन टाइम की बात करें तो दोनों ही फोन में एक जैसा है, उसमें कोई भी 1% का भी डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज वही फीचर, वही UI चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्पेशल फीचर्स में आपको कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं। LED लाइट और शोल्डर बटन जो है वो पोको F3 GT का फीचर है, तो वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो वो उसको हम यहाँ पे अलग रखते हैं। बट अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे गेम टर्बो और वीडियो टूल बॉक्स को जो है एक साथ एक साइड बार के अंदर यहाँ पे, अब देखिए आपको यहाँ पे टूल बॉक्स की पोजीशन मिल जाती है जिसको आप ऑलवेज एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए टूल बॉक्स को यहाँ पे इस तरीके से, तो आप इसको यहाँ पे गेम्स और वीडियो ऐप्स के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि गेम टर्बो और हम वीडियो टूल बॉक्स की बात करते हैं, दोनों को ही मैंने इसमें अपनी गैलरी में एक्टिवेट कर रखा है। देखिए गैलरी जाते हैं, कुछ थोड़े से चेंजेस आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे, बाकी अदरवाइज सारी चीज़ देखिए इसमें थोड़ी सी साइड बार आपको थोड़ा ब्रॉड सा देखने को मिलता है, इसमें थोड़ा सा आपको अलग UI के साथ देखने को मिलता है, बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर्स सेम है, सेम ही UI देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। और गेम टर्बो की बात करें तो दोनों को ही मैंने जो है अपने हेल्थ एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है इंस्टॉल कर रखा है, यानी कि उसके अंदर एक्टिवेट कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों ही फोन्स के अंदर जो है वही आपको थोड़ा सा ब्रॉड मिल जाता है, बाकी फीचर एक जैसे मिलते हैं, थोड़ा सा आपको कलर्स में यहाँ पे जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए इसमें ब्लू कलर में आपको बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड के जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें आपको थोड़े से ग्रीन कलर और रेड कलर के साथ यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है, थोड़ी यही चेंजेस हैं, बाकी आपको वही फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों ही फोन्स में वॉइस चेंजर मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, सेटिंग्स, वाईफाई, कास्ट, टर्न ऑफ स्क्रीन, ये सारी चीज़ें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, DND मोड, क्लियर मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपको दोनों ही फोन के गेम टर्बो के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको एक जैसी देखने को मिलती हैं, बस सिर्फ एक साइड बार का ऑप्शन चेंज किया गया है, एक नए तरीका एज पैनल जो है आपको देखने को मिल जाता है जिसको आप किसी भी स्क्रीन पे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो है आपको सेटिंग्स पैनल में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रेस्ट ऑफ द ऑल सारे के सारे फीचर्स सेम है, एज इट इज वही है, फॉन्ट्स में चेंजेस किए गए हैं,
थोड़े से आपको यूआई में माइनर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, नए लाइव वॉलपेपर्स, लॉन्चर में एक लेबल का ऑप्शन देखने को मिला है, कंट्रोल सेंटर आपको आगे चल के चेंज देखने को मिलेगा और बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर्स सारे के सारे आपको दोनों ही फोन्स में सेम देखने। तो बस आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था कि जो MIUI 12.5 और MIUI 13 है उसमें आपको क्या क्या जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो आपको क्या लगता है जो MIUI 13 जो नया वर्जन जो आगे चल के आपको देखने को मिलता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरा है, या आपको लगता है कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कि MIUI 12.5 को ही थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है और स्टेबल करने की कोशिश की? तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।